वैसे इस वीडियो में बताता हूँ कैसे क्या हुआ। और सबसे पहले मैं घर पे था और अमन कलाकार के मामा रजत, उसको कॉल आया मेरे को कि ऐसा सा बात है। फिर सबसे पहले इसके पास गए, फिर कॉल किया चमन को, चमन ने कॉल उठाया और बोला कि मामा फोटो भेजा है, उसका ट्राउजर वही है और जूता वही है, अभी हम लोग जा रहे हैं झारसुगड़ा। तो 4 बजे का ट्रेन में उन लोग सब निकल गए और वहाँ पहुँचने के बाद कंफर्म हो गया कि अमन है बोल के। हम लोग को भी पूरा सॉफ्ट हो गया हम लोग। और फिर ये कॉल किया चमन को तो वो भी रोने लगा। फिर उसके दोबारा कॉल ना कॉल रिसीव किया ना कुछ किया। फिर उसके बाद हम लोग घर आए वापस। फिर मेरे को थोड़े देर बाद उसके मौसी का लड़का का कॉल आता कि अमन अब नहीं रहा, डेथ कर गया। तो बहुत ख़राब लगा। उसके बाद थोड़ी देर में फिर मैं यूट्यूब पे देखता हूँ कि सेमी मतलब मजाक उड़ा रहा था उस टाइम में, लाइव में इंटरव्यू में मजाक उड़ा रहा था। तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, मुझे पता चल गया था 12 बजे ये कि ऐसा सा बात है, तो मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ। फिर मैं कमेंट इसलिए किया क्योंकि वो लोग मजाक चल रहा था वहाँ कमेंट में। तो मैंने कमेंट किया कि अमन कलाकार अब हमारे बीच नहीं रहा, तो शायद उन लोग मजाक ना करें ये वीडियो मतलब मेरा कमेंट देखे, ये सोच के मैंने कमेंट किया था। तो ये कमेंट को लेके सब बहुत लोग टैग के मतलब अपना चैनल पे डाल रहे हैं, कोई स्क्रीनशॉट करके डाल रहे हैं कि राजीव भाई को सब कुछ पता है, सब कुछ पता है करके। और देखिए लास्ट अभी शाम को वीडियो कॉल किए तो उसका भाई चमन उठाया वीडियो कॉल पे, बोला कि यहाँ पे नहीं लाएंगे, बॉडी पूरा थोड़ा कंडीशन ख़राब है बॉडी का। तो वहीं पे उन लोग फिर सब अंतिम संस्कार वहीं पे कर दिए, जला दिए सब कुछ, आपको वीडियो में देखने को मिल जाएगा, बाकी हम डाल देंगे। बाकी इतना ही कुछ पता है, बाकी इंसाफ अमन को मिलना चाहिए, कैसे क्या हुआ सब कुछ पता चलना चाहिए। बाकी अमन के मामा से पूछ लो कि कैसे क्या हुआ, कॉल कैसे आया सब कुछ। राजू को सबसे पहले कॉल किया क्योंकि यही अमन के साथ रहता था और वो वैसे भी मेरा बलना लगता है, तो हम सोचे कि इसको बताना सही रहेगा, तो इसको कॉल किया। हम बोले ऐसा बात है अमन का तो अब नहीं रहा है, तो ये भी शॉक हो गया, ये बोले कैसे क्या है, तो पूरा डिटेल्स पता नहीं था। तो हम लोग को पूरा डिटेल्स पता करने के लिए 4 बजे पूरा फैमिली दीदी जीजा लोग सब निकल गए। तो वहाँ जाने के बाद पता लगा कि अब तो वही है, सेम टू सेम टी शर्ट वही है, ट्राउजर वही है जो पहना हुआ था, क्योंकि बॉडी तो थोड़ा गल गया था जैसे मेरे को बताया, तो हालत में नहीं था देखने के लिए, तो हम लोग देख नहीं पाए। कल भी कन्फर्म नहीं हुआ रात में, मगर इतना श्योर था कि अमन नहीं है हम लोग के बीच में। तो फिर ये थोड़ा इसको फिर से बोले कि क्या हम लोग सुबह निकलते हैं, तो वो लोग बोले कि हम लोग एम्बुलेंस पे लेके आ जाएंगे ऐसे वैसे, तो हम लोग बोले कि यहीं पे हम लोग सब कुछ करेंगे। तो सडनली जब सुबह में कॉल करे तो किसी का कॉल लग नहीं रहा है, तो और पता नहीं लग पा रहा है कि वहाँ पे फाइनल हुआ क्या है। तो ये सारा चीज़ को देखते देखते लास्ट में फिर राजू भाई के साथ जो भी हुआ कमेंट वगैरह जो सैनी का देख के, फिर वहाँ से होने के बाद फिर हमको पता लगा। तो हम घर से हम बोले हम तो फैमिली वाले हैं, बाहर वाले को क्या पता है हो क्या रहा है बोल के। तो फिर हम बोले कि एक वीडियो बनाते हैं ताकि पता लगे क्या हो रहा नहीं हो रहा, जैसे उसने ट्रोल्स किया कि अजमोला वगैरह ये दुख की घड़ी में ऐसे किया जाता है तो गलत बात है ना, ये नहीं होना चाहिए ऐसा। तो उसको रिप्लाई देना जरूरी था, तो वो रिप्लाई हम लोग दिए, और जो जिसने बोला कि सारा प्रैंक है, तो इस वीडियो में हम लोग सब कुछ क्लियर कर दे रहे हैं कि इस वीडियो में है क्या। लाइव आप लोग देखे हम लोग जलते हुए, तो इससे बड़ा और क्या है, हम लोग थोड़ी अब जिंदा कर सकते हैं। और रहा बात कुछ भी जिसको भी गलत फहमी था, तो ये वीडियो देखने के बाद उसके बाद दोपहर में फिर हम एडी रॉक से नंबर लिया मनी गंभीर का, तो उसको भी कॉल किए, तो उससे पूछे कि अमन के साथ और कौन कौन आया था, कैसे क्या हुआ बताओ पूरा डिटेल में। वो तो उससे पूछे तो वो बोला कि अमन को और उसके भाई को चमन को स्टेशन बैठा के उसके बाद कंटिन्यू बात होते रहा रास्ता में झारसुगड़ा तक, 2 बजे तक रात बात हुआ। उसके बाद ना ही कॉल लग रहा था ना कुछ जा रहा था, ना चमन के नंबर पर ना अमन के नंबर पर। उसके पास इतना ही डिटेल निकला कि कैसे क्या, उसके बाद कुछ पता नहीं क्या हुआ ट्रेन पे कैसे क्या हुआ। बाकी हम लोग को इंसाफ चाहिए, तो बस यही सबसे गुजारिश है कि जैसे भी करके पता चले कि क्या हुआ, मैटर क्या था, कैसे क्या हुआ। बहुत कोई DM कर रहा है प्रैंक के बोल के, कोई बोल रहा है कि भाई प्रैंक है, सच बताओ यार सच बताओ, बहुत सारे कमेंट आ रहा है यूट्यूब पे इंस्टाग्राम पे फेसबुक पे। तो भाई ये प्रैंक नहीं है, किसी की ज़िंदगी के साथ प्रैंक नहीं किया जाता, और ऐसा मजाक किसी की ज़िंदगी से नहीं किया जाता भाई। रहा बात प्रैंक का, जैसे कि अभी बहुत जन अभी रिसेंटली अभी कॉल आया था 2 जन का कि भाई प्रैंक तो नहीं है मजाक लग रहा है। मजाक अपना फैमिली वाला किसी के साथ थोड़ी करेगा, बाहर वाला अगर कोई करता है तो वो हो जाता है प्रैंक। अगर अपना फैमिली किसी के लिए, अगर ये मेरा भाई है अगर इसको कुछ होता है तो क्या प्रैंक करेंगे, अपना बात अपने तक हम लोग रखना चाहते थे। मगर ये जो सैमी वगैरह जो भी यूट्यूबर लोग जिसने ये सारा कमेंट वगैरह जो भी इंटरव्यू में किया, इसके वजह से हम लोग को आना पड़ा, नहीं तो हम लोग नहीं चाहते थे वायरल होना, मतलब व्यूज के लिए नहीं करना चाहते, यही हम लोग सोच रहे कि व्यूज के लिए पब्लिक को बात पता चल जाना चाहिए। उसका 24 घंटा के अंदर पूरा दोनों वीडियो डिलीट कर लेंगे। सुन सैमी, तुम जो पैसा पैसा का बात करता है ना कि पैसा से पैसा, इतना पैसा ये कर लेंगे, इतना शो है, इतना पैसा है, तो पैसा से भाई
तुम किसी की जिंदगी वापस नहीं ला सकता, समझा। जैसे कि अभी पहला वाला वीडियो में मैंने अपना नंबर दिया था, अभी तक जितना टाइम से वीडियो अपलोड हुआ तब से इतना कॉल आ गया ना उसका चाहने वाला, उसका फैन कामन कलाकार का। अगर पैसे की बात होगा ना, तुमको 10 बार खरीदेंगे 10 बार बेचेंगे, इतना पैसा अगर बात है तो। यहाँ बात पैसा का नहीं है, यहाँ पे किसी का फीलिंग्स, फैमिली का, लाइफ का सवाल था, जिसके साथ इमोशनल खेलना नहीं चाहिए था। जो भी बोला है गलत बोला है, और पैसा का बात तो ना ही कर, किसी लाइफ पैसा से बढ़ के नहीं होता है। और जिंदगी एक बार मिलता है, पैसा तो हम फिर भी कमा लेंगे, मगर जिंदगी एक बार मिलता है। तो सैमी तुमको बोल दे रहे हैं, नेक्स्ट बार अगर किसी को भी ऐसे बोलना रहेगा ना तो सोच समझ के बोलना। गाइस रात को ही मुझे पता चल गया था, और मैं सबको बताना नहीं चाहता था, ना कि वायरल करना चाहता कि ये सब हुआ है बोल के। और सैमी का जो लाइव इंटरव्यू देखा मैं, तो उसमें बहुत ख़राब लगा, क्योंकि उसमें पूरा मजाक की उड़ाया जा रहा था, तो इसलिए बर्दाश्त से बाहर हुआ। तब जाके मैं कमेंट किया कि अमन अब नहीं रहा, तब ये कमेंट सुन के शायद उन लोग ऐसा ना करें मजाक, घटिया मजाक, तो इसलिए पर्पस पे मैंने कमेंट किया था। बाकी आपको अभी पता चल ही गया और कि अमन अब नहीं रहा। और रही बात वो सैमी भाई, ये सब मजाक नहीं है, ना कि किसी के लाइफ के साथ मजाक करो।